गाइज, आज मैं एक करेले का रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही अच्छा है और नया रेसिपी है। तो मैं उसमें नया मसाले यूज की हूँ। तो दिवाली के फेस्टिवल में तो मिठाई बहुत खाए होंगे, अब मीठा के बाद कुछ कड़वा हो जाए। तो आज मैं जो करेला का रेसिपी बना रही हूँ, ना भरवा है ना भुजिया है, और वैसे ही स्लाइस बना के एक नए तरीका से बना रही हूँ जो बहुत ही अच्छा लगता है सबको, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। तो आशा करती हूँ आप लोग फॉलो करेंगे और बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगेगा। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, और देखने के बाद प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए किचन में। तो करेले की चटपटी सब्जी बनाने के लिए नो ओनियन, नो गार्लिक, नो टोमेटो, बस ना ओनियन है ना गार्लिक है और ना टमाटर है, तो इसके बिना ही सब्जी चटपटा ग्रेवीदार बनेगा। तो दोस्तों, दिवाली के बाद मीठा खाने के बाद तो थोड़ा बॉडी में कड़वा चीज़ जाना चाहिए, तो इसके लिए मैं करेले की नई सब्जी लेके आई हूँ। तो इसके लिए करेला लिया आधा किलो। आपको मेरा करेला जो है एकदम सॉफ्ट था, यानी कौला था, तो उसको जो है सो सिर्फ स्लाइस काट लिया, अंदर शीर्ष कड़क नहीं था। अगर आपके पास जो करेला हो कड़क शीर्ष वाला हो तो शीर्ष आप हटा दें बीज को, और छिलना हो ऊपर से तो छिलका भी हटा सकते हैं। तो मैं ऐसे ही एकदम सॉफ्ट करेला था, तो इसलिए मैं वैसे ही स्लाइस काट के धो के रख लिया। अब मसाले के लिए 1 चम्मच पीनट, यानी कि मूंगफली दाना, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चम्मच धनिया और 2 लाल मिर्च सूखी, और 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच कलौंजी और 10-12 काली मिर्च। सबको गरम कर ले अच्छा से, और लास्ट में इमली का सूखा इमली जो है, सूखी इमली, उसको डाल देना है शीर्ष हटा के, और सबको गरम करके साइड में रख दें। जब तक ये मसाले ठंडे होते हैं तब तक करेला को फ्राई कर लेना है। तो उसी गरम कढ़ाई में तेल डाले और करेला को फ्राई कर ले अच्छे से, एकदम हल्का हल्का सुनहरा होने तक, मतलब फ्राई करने में ही करेला सीध हो जाएगा, सीझ जाएगा, पक जाएगा अच्छा से। अब मसाला ठंडा हो गया, जब तक करेला फ्राई हो रहा है तब तक मसाला तैयार कर लेना है। तो सारे गरम किया हुआ मसाला इसमें डाल लेना, जितना खड़ा मसाला गरम किया था। अब इसमें 1 चम्मच छोटा चम्मच से हल्दी, 1 छोटा चम्मच से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 हरी मिर्च और 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाल दे, और नमक भी अभी डाल देना है, टेस्ट के हिसाब से नमक डाले, और 1 छोटा सा टुकड़ा गुड़ का है। अब सबका जो है सो पाउडर बना लिया। अब इसमें काजू, मैं 5-7 काजू डाल दिया, काजू पहले भी डाल सकते थे पाउडर बनाने टाइम में, मैं भूल गई थी इसलिए मैं बाद में डाली। तो अभी सबका पाउडर तैयार हो गया। अब इसमें 4 चम्मच दही डालना है, अगर खट्टा दही हो तो अच्छा होगा, नहीं खट्टा हो तो तभी भी अच्छा ही लगेगा। तो दही डाल दे, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दे, और अब इसका पेस्ट तैयार कर ले। ग्रेवी के लिए पेस्ट तैयार हो गया। अब सब मसाले इसमें डाला गया है, अब कोई भी मसाला अलग से नहीं डालना है। तो अब देखते हैं तब तक करेला फ्राई हुआ कि नहीं। तो करेला भी फ्राई हो गया है। तो दोस्तों, अगर कम करेला रहेगा आपके पास तो एक ही बार में फ्राई हो जाएगा, और ज़्यादा करेला मेरे पास था तो मैं 2 बार फ्राई किया। दोस्तों, अगर रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो अभी करेला सब फ्राई हो गया है, और ये फ्राई होने के बाद अगर जो तेल बचेगा, तो ज़्यादा तेल बचेगा तो आप हटा सकते हैं, या सब्जी के बराबर 2 चम्मच के बराबर रखे तेल, और नहीं अगर ज़्यादा नहीं बचा हो और डालना हो तेल तो आप और डाल सकते हैं। तो मेरे कढ़ाई में तेल 2 चम्मच के बराबर बचा हुआ है, उसी गरम तेल में मैं राई डाल दिया, आधा चम्मच राई और जीरा आधा चम्मच, उसके बाद जो है सो हींग थोड़ा सा डाल दे, और सब जब तरकने लगे तो इसमें करी पत्ता डाल दे, तेज पत्ता डालना हो तो तेज पत्ता भी डाल सकते हैं।
अब जो मसाला का पेस्ट मैंने तैयार किया था उसको डाल दे। अगर लहसुन प्याज डालेंगे तो और ज़्यादा टेस्टी बनेगा, तो मैं लहसुन प्याज नहीं यूज की हूँ। जिस दिन मैं ये रेसिपी बनाई थी उस दिन लहसुन प्याज नहीं खाना था, इसलिए मैं बिना लहसुन प्याज का ही सब्जी चटपटा बनाई थी। अभी धनिया पत्ता थोड़ा इसमें डाल दिया मसाला भूनने टाइम में, तो तेल निकल, जब तक कढ़ाई से तेल निकले तब तक इसको भूनना है मसाले को। और करेला तो फ्राई है ही, पहले ही पक गया है करेला उसमें, तो करेला पकने में टाइम नहीं लगेगा। अब मसाला अच्छे से भून लेना है जब तक कढ़ाई में से तेल निकले और मसाला का जो है सो कच्चापन का टेस्ट हट जाए। अगर टमाटर डालना हो तो आप टमाटर इसी बीच में डाल सकते हैं या पेस्ट बना के डाल सकते हैं। तो अब मसाला तैयार हो गया है ग्रेवी, अब उसमें करेला फ्राई किया हुआ मैं डाल दी। तब गैस फ्लेम स्लो कर दे और इसको सब्जी को ढक के छोड़ दे एक मिनट के लिए और अच्छे से पकने दे, जो मसाला करेला के अंदर जो है सो अब्जॉर्ब हो जाए। अब लास्ट में गरम मसाला थोड़ा सा 2 पिंच के बराबर गरम मसाला डाल दे। और चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला या अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, तो मैं चाट मसाला डाली हूँ तो इसे ज़्यादा और चटपटा बनता है। तो सबको मिला दिया अच्छे से। अब धनिया पत्ता लास्ट में भी इसमें स्प्रिंकल कर देना, धनिया पत्ता छिड़क दे और तैयार हो गई सब्जी। तो करेले की न्यू सब्जी तैयार हो गया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो दोस्तों आप ये सब्जी को चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। चपाती के साथ, पराठा, पूरी, कोई भी सब्जी के साथ, कोई भी फूड के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही चटपटा अच्छा बनता है, बिना लहसुन प्याज और बिना टमाटर का ही बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।